नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। खबर नसीलगंज से है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा इमरती देवी पर दिए गए आपत्तिजनक बयान के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं का आक्रोश। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला फूंका। एक तरफ प्रदेश में जहां कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक जगह में किसी न किसी मुद्दे को लेकर बयान का दौर जारी है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश उपचुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बयानों की सरगर्मी तेज हो गई है। संक्रमण काल के बीच नेताओं के बयान चर्चा में आते जा रहे हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ ने डबरा की चुनावी सभा में मंत्री इमरती देवी को आइटम कहकर संबोधित किया। अब कमलनाथ के इस बयान पर महाभारत हो गई है। इसी क्रम में नसीलगंज के भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारियों द्वारा नगर के दुर्गा मंदिर चौराहे पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। कहा, नारी के सम्मान में भाजपा मैदान में है। संवाददाता पवन महेश्वरी की रिपोर्ट। कांग्रेस के नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी द्वारा महिलाओं के प्रति जो टिप्पणी की है, अशोभनीय है। भारतीय जनता पार्टी उसकी निंदा करती है। आज उसी के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता एवं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री का पुतला दहन यहाँ पर